राम राम। हम चर्चा कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत, शारीरिक भाषा के अंतर्गत, मोबाइल के प्रयोग के विभिन्न मुद्राओं के बारे में। और इसी क्रम में हमारा आज का विषय है, जो लोग मोबाइल फोन को सदैव अपने हाथ में पकड़ करके ही चलते हैं, हम उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र के बारे में आज प्रकाश डालेंगे। और हमारा आज का विषय भी यही रहेगा, हम सीधे विषय वस्तु पर ही चलेंगे। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्त्री पुरुष जो सदैव मोबाइल फोन को अपने हाथ में पकड़ करके ही रखते हैं, सदैव हाथ में पकड़ कर ही चलते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, इस मुद्रा को प्रायः ऐसे व्यक्ति अपनी शान का प्रतीक मानते हैं और अपने अहम की संतुष्टि भी। उनका इसकी आवश्यकता से कोई लेना देना नहीं होता, आवश्यकता हो तो ठीक, न हो तो ठीक। मगर ऐसे लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बड़े ही वाकपटु होते हैं। ऐसे लोग अपने वाणी के बहुत धनी होते हैं, चाहे ये मीठा बोले चाहे ये कड़वा बोले, इनकी वाणी में गजब की ताकत होती है। ऐसे लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनके मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये अनेक मित्रों वाले होते हैं और इन्हें घूमने फिरने का बेहद शौक होता है। जीवन के भौतिक आनंदों को, साधनों को प्राप्त करना और भोगना इनका लक्ष्य होता है। इसलिए प्रायः ऐसे व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रायः सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते जाते हैं और अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा भौतिक संसाधनों पर खर्च करना इनकी नियति बन जाती है। ऐसे लोग प्रायः उच्च मध्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की स्थिति में जीवन जीते हैं और इसके लिए इनको अतिरिक्त परिश्रम करना होता है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैंने भली भांति यहां समझाने का प्रयास किया है, आशा है अब समझ भी गए होंगे। हमने आज ऐसे लोगों पर प्रकाश डाला है, ऐसे स्त्री पुरुषों के चरित्र के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला है, जो लोग मोबाइल फोन को सदैव हाथ में पकड़कर चलते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कुछ और जानने की इच्छा हो, तो आप हमारे WhatsApp पे मैसेज करके, फोन कॉल पे कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जुड़ करके जान सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधना सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या हो, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।